आई नो आई एम एक्स्ट्रा। पूरा डे बहुत प्रोडक्टिव रहे। डेयरी मिल्क। तो मैं कहाँ पर लिख दूँ, इतनी पूरी थी बिल्ली भी। इससे पहले मम्मी मारे, चलो पहले ब्रेकफास्ट खत्म कर लेते हैं। तो मेरा तो आज का प्लान है कि पूरा डे बहुत प्रोडक्टिव रहे। आई शुड नॉट इवन वेस्ट अ सिंगल मिनट। सो मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट करना है जो थोड़े थोड़े पेंडिंग रह गए हैं। एंड टुडे आई एम गोना स्टार्ट विद मैथ्स का इंटीरियर चैप्टर। तो उसके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करना है, तो फर्स्ट आई एम गोना सिट ऑन दैट। सो आज मेरी मराठी क्लास है और आज सिंगिंग क्लास नहीं है। तो टुडे आई एम गोना गेट लाइक इनफ टाइम टू फिनिश माय हॉलीडे होमवर्क। सो टुडे आई एम वेयरिंग दिस वेरी कम्फी आउटफिट विच इज फ्रॉम ज़ूडियो एंड इट इज रियली नाइस एंड कूल फॉर समर्स। एंड यू नो इस पे क्या लिखा है, आई नो आई एम एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आई मीन। मुझे गर्मी की वजह से ना नेक में इची और एकदम स्वेटी हो रहा है, तो इसलिए मैं आईज अभी रब करने वाली हूँ। आप सोचोगे मैं क्या खा रही हूँ, डेयरी मिल्क। अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा इचिंग हो रही थी। आप दोनों क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग? मैं इसको एट की टेबल सिखा रही हूँ, एक हैंड ट्रिक से। हैंड ट्रिक? बिकॉज़ इसे लर्न ही नहीं हो रहा है। वैदिक मैथ्स टाइप। तो अभी क्या बताने वाली है ये? एट एग्जाम। नाइन वन जा नाइन, 9 2 18, 9 3 27। ये आप ट्रिक से कर रहे हो? हाँ। आप सबको बताओगे क्या ट्रिक है? बताऊँ? हाँ बताओ। ठीक है, तो ट्रिक ये है कि जैसे फर्स्ट है 9, तो उसके पहले क्या आता है 8, और फर्स्ट नंबर क्या है 1, तो आंसर हुआ 9 2 18। उससे पहले अच्छा फर्स्ट नंबर 1 है तो 1 ले लिया, और 9 से पहले 8 आता है तो 8 ले लिया। okay. अब नेक्स्ट 8 से पहले 7 आता है और 1 के बाद 2 आता है, तो 27। ओके, 9 2 जा 18 है, तो 9 3 जा हो गया 27। 1 के नीचे लिख दो 2 और 8 से पहले 7, तो 27। सो लेट मी गेस नाउ, 9 4 जा हो गया 27 था ना, 2 के बाद 3 और 7 से पहले 6, 36। यस, ग्रेट। सो हम लोग अब शिफ्ट हो गए हैं अंदर वाले रूम में, क्योंकि पता है यहाँ पे ना एसी है मतलब, और हमारे फ्रूट्स भी आ गए हैं क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना। एंड तो मैंने यहाँ पे अपनी टेबल सेटअप कर लिया है एंड ऋषा मैडम भी अपनी राइटिंग प्रैक्टिस कर रही है, वो भी झुक के। ऋषा ऐसे लिखते हैं झुक झुक के? तो मैं कहाँ पे लिखूं, तो इतनी दिन पूरी टेबल ली हुई है। तो टेक अ चेयर। नो एनीवेज, या सो मेरा जीके का प्रोजेक्ट है एंड उसका टॉपिक है मेडिसिनल प्लांट्स। तो मैंने पूरा प्रोजेक्ट बस ऑलमोस्ट लाइक वेकेशन से पहले फिनिश कर लिया था, बाकी सारे प्रोजेक्ट्स भी हो गए मेरे। इसका बस लाइक 1 या फिर हाफ पेज कह लो वो ही बचा है, सो वो मैं फटाफट लिख रही हूँ।
और थोड़ी सी देर में लाइक ओनली 5 मिनट्स बाद मेरी मराठी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो उसके लिए मुझे फटाफट तैयारी करनी है। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले फ्रूट्स खा लो दोनों। ऋषिया फिनिश योर फ्रूट्स। 1 मिनट। अभी मराठी क्लास ओवर हो गई है और अभी हो रहे हैं 3 o'clock, सो 1.5 आवर में हमें वापस ज्वाइन करना है 4:30, बस हाफ एन आवर के लिए 5 o'clock तक, बिकॉज इतने दिनों से हम लोग वेकेशन पे थे ना, तो एक बार वापस वो टाइम लगता है ना थोड़ा वापस शेड्यूल में आने के लिए, इसलिए मैम थोड़ी एक्स्ट्रा क्लास ले रही है। एंड अभी मैं एक मराठी का ऐसे लिख रही हूँ जो रेन पर है, और दृश्या भी अपने वर्ड्स लर्न कर रही है ना दृश्या? ये देखो इतने सारे वर्ड्स लर्न करने हैं मुझे। एंड अभी ना इस 1.5 आवर में हम थोड़ी देर ब्रेक भी लेने वाले हैं, फिर हमें लंच भी खाना है। जैसे मैंने सुबह बोला था कि डे बहुत प्रोडक्टिव होने वाला है, असली में सिर्फ 1.5 आवर में इतनी सारी चीजें, चलो लग जाओ भाई। सर ये मेरा जीके का प्रोजेक्ट फिनिश हो गया है, बस इसका कवर बनाना है, तो वो मैं A3 साइज का पेपर कलर्ड पेपर लेके बनाने वाली हूँ, उस पर कोई भी बड़ा सा मेडिसिनल प्लांट्स रिलेटेड प्रिंट आउट लगाने वाली हूँ। सो आई एम गोना गेट बोथ ऑफ द थिंग्स लाइक टुमारो और टुडे। सो आज के लिए भाई प्रोजेक्ट का इनफ हो गया, बहुत कम हो गया, तो मैं कल करूँगी अभी। सो ये है 5 pages एंड मैंने सब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज किया है। एंड यू नो द बेस्ट थिंग आई डिड फॉर दिस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट वॉज मैं ले आई ये लाइन्स वाले शीट्स, बिकॉज वरना जो नॉर्मल शीट्स होता है ना उस पर स्केल से फिर पहले लाइन बनानी पड़ती है, आपका एक्यूरेट नहीं आता, फिर बार बार इरेज कर दो कितना ऑड लगता है ना, तो दिस वॉज मच बेटर। दिस इज आवर पार्ट 2 ऑफ द मराठी क्लास। सो देखो हम लोग इतने सारे डिवाइसेस खोल के बैठ गए हैं। सो मेरी बुक्स तो रेडी हैं। दृश्या तेरी बुक कहाँ है? ये ली। वाओ हाइड एंड सीक पिकअप। तो लंच वन सब कुछ हो गया है एंड जीके का प्रोजेक्ट का जो मैंने सोचा था जितना काम करना है वो सब भी डन है, तो वी आर ऑल सेट फॉर द क्लास नाउ। और पता है एक चीज बताऊं, आज ना मैम ने जो हमारा पार्ट 1 ऑफ मराठी क्लास था उसमें दृश्या को कुछ फ्लावर्स सिखाया मराठी के, एंड दृश्या के भी डिक्टेशन आने वाली है और वर्ड्स भी कुछ। हाँ तो शी सो लाइक नर्वस राइट? आता है आपको? कर हाँ। लिया है ना रिवीजन? अच्छे से आता है? कॉन्फिडेंट? हाँ। सो मम्मा गई है टेम्पल एंड दृश्या गई है जूडो, तो मैं तो जूडो जा नहीं सकती इसलिए मैं हूँ घर पे। तो मेरी मराठी ट्यूशन अभी ओवर हो गई है, तो चलो कुछ मस्ती करते हैं। मैं ना बनाने वाली हूँ अपना मिल्क और उसमें हल्दी डालने वाली हूँ। ओके तो मैंने यहाँ पे मिल्क रख दिया है, चलो गैस को ऑन करते हैं गाइस। ओके फाइनली ऑन हो गई है, ये विक्ट्री गाइस। मेरा आज का मैथ हो गया है क्योंकि मेरे यूनिट टेस्ट आने वाले हैं, इसलिए मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज हम बायो स्टार्ट कर दे, तो मैं बायो का एक चैप्टर अच्छे से रीड एंड अंडरस्टैंड करने वाली हूँ। मैं कर रही हूँ बायोलॉजी का द लीफ चैप्टर। ओह शिट, मुझे तो पता ही नहीं चला मैं बायो पढ़ती गई और दूध बहुत ज्यादा गर्म हो गया, चलो उसे देखने जाते हैं। मुझे जाना है दृश्या को लेने और मम्मी थोड़ी लेट आने वाली है, तो लेट्स गो गाइस। सो दृश्या जूडो क्लास से आ चुकी है और मम्मा भी आ गई है। दृश्या टायर्ड लग रहे हो बहुत? हाँ क्योंकि हूँ मैं। ओके इट्स सो हॉट, इतना स्वेटी हो रहा था, तो हम लोग नहा के आए हैं एंड वी आर हैविंग साबुदाना कटलेट विद साबुदाना खिचड़ी। यू आर लाइकिंग इट? या